Salam to everybody. I hope you all are fine and I'm fine too. You know, after a long time, aap logo se jo hai direct connect hone ka mauka mil raha hai. So it is a very excited, you know, the movement for me. Basically, kuch waqt ke liye jo hai main social media se disappear tha, just because of kuch goals set karne the, kuch achievements karni thi, and finally, successfully I did them. So now I am back in a social media, or jo hai maine dobara jo hai ek naya show bhi launch kiya hai, Ahem Baat Saad Hussain ke saath. मैं आपको एक गुड न्यूज़ देना चाहूँगा, वो ये है कि हमारा जो प्रेस ऑफ फ्रीलांस का जो यूट्यूब चैनल था वो फाइनली मोनेटाइज हो चुका है. और जो है आप सबकी सिर्फ दुआओं की वजह से, सपोर्ट की वजह से, कमेंट्स की वजह से. सो आई थॉट पर्सनली माय माइंड कि जो रेगुलर बेसिस पे मैं जो भी लर्न करता हूँ, इवन के 1% या फिर 2% या फिर 5% 100%, तो क्यों ना मैं वो आप लोगों से भी शेयर करूँ, दैट यू गाइस कैन टेक एडवांटेज फ्रॉम दैट. सो एक हमारी वुमेन एक्टिविस्ट हैं, मिसबा सुलेमान, वो एक हमेशा बहुत ही अच्छी बात कहती हैं. वो हमेशा यही कहती हैं कि वेन एवर वी स्टार्ट एनी न्यू वर्क, वेदर टॉकिंग अबाउट एजुकेशन, वेदर टॉकिंग अबाउट यू नो लाइक एनी प्रोफेशनल पर्सन वर्क, सो हम फौरन ही जो है रिज़ल्ट के बारे में सोचते हैं कि रिज़ल्ट कब आएगा. एंड ग्रेजुअली जब हमारे पास वो रिजल्ट्स नहीं आते, सो वी फील कि नाउ वी शुड स्टॉप दैट वर्क. लेकिन ये चीज़ जो है एक काफ़ी कह सकते हैं गलत चीज़ है, क्योंकि मिसबा सुलेमान हमेशा ये कहती हैं कि द सक्सेस जो होता है, दैट टाइम डिसाइड दैट सक्सेस. टाइम डिसाइड करता है कि कौन सा वक्त हमारे लिए उस सक्सेस का बेहतर रहेगा. सो द ह्यूमन बीइंग नेवर एवर डिसाइड यू नो दैट टाइम. सो इसके साथ साथ हमारी एक डॉक्टर बिल्किस हैं, एकरा यूनिवर्सिटी में जो है प्रोफेसर हैं, हमें एथिक्स एंड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो पढ़ाती हैं, वो भी एक बहुत अच्छी बात कहती हैं. इस बारे में सोचिएगा ज़रूर आप सब के जिन बातों पर हमें हंसना चाहिए उन बातों पर हम जो हैं गुस्सा हो जाते हैं, और जिन बातों पर हमें गुस्सा आना चाहिए उन बातों पे हम हंसते हैं. तो सोचिएगा ज़रूर इस बारे में. आपसे बहुत जल्द दोबारा मुलाकात होगी, अल्लाह ने की मानी.